हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी लर्निंग विद चेतन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करेक्ट यूज ऑफ एडजेक्टिव्स ईच एंड एवरी का अध्ययन करेंगे। करेक्ट यूज ऑफ एडजेक्टिव ईच एंड एवरी। ईच का प्रयोग प्रत्येक के अर्थ में दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले होता है। यहाँ पर हमारा नियम कहता है, ईच का प्रयोग प्रत्येक के अर्थ में दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले होता है। तो हम ईच का प्रयोग कहाँ करते हैं? दो या दो से प्रत्येक के अर्थ में दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के पहले किया जाता है। उदाहरण के लिए, ईच बॉय हैज ए बैट। प्रत्येक लड़के के पास बैट है या बल्ला है। यहां पर ईच का प्रयोग किया गया है, ईच दिखा रहा है किसके लिए? प्रत्येक, हर एक के लिए। और ये विशेषता बता रहा है बॉय, लड़के की, कि प्रत्येक ईच बॉय हैज ए बैट। लेकिन ईच आपके बाद यहां पर बॉय, ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, जैसा कि हमारे ऊपर नियम में कहा भी गया है कि ईच का प्रयोग प्रत्येक के अर्थ में दो या दो से अधिक व्यक्तियों के लिए सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले प्रयुक्त होता है। तो ये जहां प्रयोग किया गया है, यहां पर जो नाउन है वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। लेकिन ईच ऑफ के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन का प्रयोग होता है। यह हमारा नियम आगे कहता है कि ईच ऑफ का यदि प्रयोग हो तो हमें क्या करना है? सिंगुलर की जगह प्लूरल काउंटेबल नाउन का प्रयोग करना होगा। उदाहरण के लिए, ईच ऑफ द बॉयज हैज ए बैट। उन लड़कों में प्रत्येक के पास बैट है। तो यहां पर ईच ऑफ का प्रयोग किया गया है। जब ईच ऑफ का प्रयोग किया गया तो यहां पर नाउन है वो क्या है? प्लूरल है, प्लूरल काउंटेबल नाउन का प्रयोग किया गया है। चलो आगे देखते हैं। एवरी का प्रयोग प्रत्येक के अर्थ में दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले होता है। जैसे ईच के नियम में हमने कहा था कि ईच का प्रयोग प्रत्येक के अर्थ में दो या दो से अधिक व्यक्तियों के लिए सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले होता है। परंतु क्या है यहाँ पर? एवरी का प्रयोग प्रत्येक के अर्थ में दो से अधिक व्यक्तियों के लिए सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले होता है। उदाहरण के लिए, एवरी बॉय ऑफ दिस क्लास इज हैंडसम। इस कक्षा का प्रत्येक बच्चा, प्रत्येक लड़का सुंदर है। यहां पर एवरी बॉय को मॉडिफाई कर रहा है, एडजेक्टिव है स्वाभाविक है, जब भी जानते हैं। तो यहां पर जो बॉय का प्रयोग किया गया है, बॉय कैसा है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन। लेकिन दो व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए एवरी का प्रयोग नहीं होता है। लेकिन यहां पे एक्सेप्शन दिया हुआ है, लेकिन दो व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए एवरी का प्रयोग नहीं होता है। हमने ऊपर बताया था ईच का प्रयोग दो या दो से अधिक व्यक्तियों के लिए हो सकता है, लेकिन दो व्यक्तियों के लिए एवरी का प्रयोग नहीं करेंगे। उदाहरण के लिए, एवरी ऑफ द टू गर्ल्स इज ब्यूटिफुल। दो लड़कियों में प्रत्येक बहुत सुंदर है या सुंदर है। यहाँ पर एवरी ऑफ के साथ में टू गर्ल्स दिया है, जो कि ये सेंटेंस है वो रॉन्ग है। एवरी का प्रयोग दो या व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए नहीं किया जाएगा। यहाँ पर लिखा है ईच ऑफ द टू गर्ल्स इज ब्यूटिफुल। यहाँ पर ईच ऑफ के साथ में टू गर्ल्स, ईच आपका होगा, एवरी ऑफ नहीं होगा।
तो ये वाक्य सही। नोट, एवरी का प्रयोग नियरली ऑलमोस्ट प्रैक्टिकली विदाउट एक्सेप्शन के बाद होता है। एवरी का प्रयोग है, ये शब्द है नियरली ऑलमोस्ट प्रैक्टिकली विदाउट एक्सेप्शन के बाद होता है। उदाहरण के लिए, गीता हैज रेड ऑलमोस्ट एवरी बुक सी हैड। गीता ने ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट का प्रयोग किया गया, ऑलमोस्ट लगभग सभी किताबें पढ़ी हैं सी हैड जो उसके पास थी। तो ऑलमोस्ट और नियरली और प्रैक्टिकली के बाद में हमेशा एवरी का प्रयोग होता है, ये एवरी का प्रयोग किया गया। आगे देखते हैं नियम नंबर दो। एवरी के बाद न्यूमरल एडजेक्टिव का प्रयोग हो तो इसके बाद प्लूरल नाउन का प्रयोग होगा, ना कि सिंगुलर नाउन का। यदि एवरी के बाद में न्यूमरल एडजेक्टिव संख्यावाचक विशेषण का प्रयोग किया गया हो तो इसके बाद हमेशा प्लूरल नाउन बहुवचन संज्ञा का प्रयोग होगा, ना कि सिंगुलर एकवचन का। उदाहरण के लिए, एवरी 10 बॉयज ऑफ दिस क्लास आर इंटेलिजेंट। एवरी 10 बॉयज ऑफ दिस क्लास इज इंटेलिजेंट। तो एवरी 10 बॉयज, यहां पर न्यूमरल एडजेक्टिव का प्रयोग किया है, 10 संख्या बता रहा है, कितने लड़के, 10 लड़के, तो न्यूमरल एडजेक्टिव है। न्यूमरल एडजेक्टिव के बाद हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन का प्रयोग होता है, ये नियम हमारा कहता है। यहां न्यूमरल एडजेक्टिव किया तो यह बॉयज है, ये प्लूरल काउंटेबल नाउन, प्लूरल नाउन का है प्रयोग, प्लूरल नाउन है। एवरी तथा ईच का प्रयोग सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के पहले नहीं होता है। एवरी और ईच का प्रयोग सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के पहले नहीं होता है, जैसे एवरी कॉफी, ये नहीं होगा क्योंकि कॉफी ये सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है। एवरी और ईच का प्रयोग सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के पहले नहीं किया जाएगा। ईच एवरी का प्रयोग प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले नहीं होता है, ईच एवरी का प्रयोग प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले नहीं होता है, यह भी एक नियम है। एवरी पेंस नहीं हो सकता है, एवरी क्योंकि प्रत्येक को दर्शाता है, तो यहां पर प्लूरल काउंटेबल नाउन का प्रयोग ये नहीं होगा, जबकि एक्चुअल सही होना चाहिए एवरी पेन। एवरी पेन होना चाहिए। दोस्तों, इसी के साथ आज के इस वीडियो का मैं अंत करता हूं। आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। यदि अच्छा लगे तो कृपया इसको सब्सक्राइब, लाइक तथा अपने दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।